बिहार में सरकारी बाबू का नया कारनामा सामने आया है। कैमूर में घर में रजिस्ट्री ऑफिस खोल दिया गया। घूस लेने के लिए एक निजी मकान में अवैध तरीके से सरकारी कार्यालय के सारे काम हो रहे थे। मौके से दाखिल खारिज, जमाबंदी, परिमार्जन और भू बंदोबस्त संबंधित गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। मामला भभुआ का है, जहां शहर के राजेंद्र सरोवर के पास अवैध रूप से निजी मकान में कार्यालय चला रहा था। अंचलाधिकारी तारा प्रकाश की मिलीभगत से ऑफिस चल रहा है, जहां से जमीन संबंधित कागजातों का काम किया जा रहा है। इसी बात की सूचना जब डीएम सावन कुमार को लगी तो उन्होंने शनिवार को एडीएम, एसटीएम और डीएसपी के साथ छापेमारी की, जिसमें दो राजस्व कर्मचारियों और निजी डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सीओ पर भी कार्यवाही का निर्देश डीएम ने किया है। जी हां, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी वरुण जय कुमार ने कहा है कि डीएम को सूचना मिली थी कि भभुआ शहर के राजेंद्र सरोवर के पास निजी मकान में सरकारी राजस्व कर्मचारियों ने अवैध कार्यालय खोला था। वहीं से जमीन संबंधित कागजातों का काम करते थे। पैसे के लिए ग्रामीणों को परेशान किया जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर डीएम ने एडीएम, एसटीएम और डीएसपी भभुआ के साथ छापेमारी की, जहां निजी मकान में अवैध तरीके से संचालित हो रहे कार्यालय से काफ़ी मात्रा में गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी दस्तावेजों को सील कर दिया गया है। मामले में अखलाकसपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इमरान, जागी बराव पंचायत के राजस्व कर्मचारी लाल बाबू और एक निजी डेटा ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। प्राथमिक जांच में अंचलाधिकारी तारा प्रकाश की मिलीभगत से राजस्व कर्मचारी की ओर से निजी कार्यालय संचालन की बात सामने आई है, जिसको लेकर अंचलाधिकारी भभुआ पर बिल समाप्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जी हां, कार्यवाही उन पर की जाएगी। आपको बता दे चलें, लगातार यहां पे जो अधिकारी हैं दिन प्रतिदिन नया कारनामा उजागर करते हैं। जी हाँ, सरकारी बाबू का एक नया कारनामा आया है, जहां कैमूर में एक घर में रजिस्ट्री ऑफिस खोल दी गई। घूस लेने के लिए एक निजी मकान में अवैध तरीके से सरकारी कार्यालय के सारे काम हो रहे थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।